हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर मैथ्स क्लास बेटा ये नाइन्थ के मैथ्स का आपका जो फिफ्थ चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स उसमें ये आपका टेंथ वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर फोर इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंगल आर पी टी इक्वल टू नाइन्टी फाइव डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री फाइंड एंगल एस क्यू टी आपको दो लाइन दी हैं पी के और आर आर एस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पे और आपको एंगल दिया है ये ठीक है पी आर टी दिया है फोर्टी डिग्री और आर पी टी दिया आपको नाइन्टी फाइव डिग्री और साथ में टी एस क्यू दिया आपको सेवेंटी फाइव डिग्री आपको कौन सा एंगल एस क्यू टी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है देखो कैसे फाइंड करेंगे हम गिवन आपको यह है पी के एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी पी आर टी इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंगल आर पी टी इक्वल टू नाइनटी फाइव डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री ये हमने लिख लिया कि जो आपको गिवन दिया था उसके बाद देखो टू फाइंड आपको क्या फाइंड करना है एंगल एस क्यू टू एस क्यू टी इक्वल टू कितना है ये आपको फाइंड करना है कैसे फाइंड करोगे देखो इन ट्राइ एंगल पी आर टी यहाँ पर देखो आपको क्या दो एंगल दिए एक एंगल आपके पास नहीं है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो ठीक है हमने क्या किया एंगल इन ट्राई एंगल पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू वन एटी डिग्री ये उसके इंटीरियर एंगल इन सबका सम कितना होगा वन एटी डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है इसकी वैल्यू दी है फोर्टी डिग्री और इसकी वैल्यू दी है नाइन्टी फाइव डिग्री इसकी वैल्यू हमें नहीं प, पता है तो फोर्टी डिग्री प्लस नाइन्टी फाइव डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू कितना होगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री अब दो एंगल का सम है तो इन दोनों को आप समोगे दो वन थर्टी फाइव डिग्री प्लस पी आर टी इक्वल टू वन एटी डिग्री तो पी आर टी इक्वल टू आ गया आपके पास फोर्टी फाइव डिग्री आपने वन एटी डिग्री माइनस वन थर्टी फाइव किया तो आ गया आपके पास फोर्टी फाइव डिग्री तो एंगल आपके पास ये वाला एंगल आ गया आपके पास कितना फोर्टी फाइव डिग्री कौन सा आ गया ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है अब देखो आल्सो फॉर लाइन पी के एंड आर एस आपके पास ये दो लाइन पी और आर एस पे ये एंगल इसके इक्वल होगा है ना वर्टिकली अपोजिट तो ये भी फोर्टी फाइव डिग्री होगा एंगल पी आर टी इक्वल टू एस टी क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल है और तो ये आपके पास एस टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी फाइव डिग्री अब देखो आपके पास क्या है इस इस ट्राइ में ये दो एंगल की वैल्यू पता है और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्राइ एंगल एस टी क्यू एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू कितना हुआ वन हंड्रेड एट्टी डिग्री एंगल्सम प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू हमने निकाली है फोर्टी फाइव डिग्री ये वैल्यू आपको दी है सेवेंटी फाइव डिग्री तो एस क्यू टी की वैल्यू नहीं है फोर्टी फाइव प्लस सेवेंटी फाइव करोगे तो ये होगा वन ट्वेंटी डिग्री प्लस एंगल एस टी इक्वल टू कितना हुआ वन डिग्री तो एंगल एस इक्वल टी टू होगा वन एट्टी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी तो एस टी इक्वल टू कितना आ गया सिक्सटी डिग्री विच इज द रिक्वायर तो एंगल एस टी की वैल्यू आपने 60 डिग्री फाइंड कर ली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव इन फिगर इफ पी के ओल पी के एस पी एस पी क्यू पैलर एस आर एंड एंगल एस क्यू आर इक्वल टू ट्वेंटी एट डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री देन फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपको क्या दिया है देखो यहाँ पे पी क्यू और एस आर दो लाइन दिए पैलर हैं और पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के इसका मतलब एंगल क्यू पी एस इक्वल टू कितना होगा नाइनटी डिग्री और साथ में आपको दिया है ये लाइन एक दी हुई है आपको एस क्यू और ये आपको एंगल दिया ये वाला कितना दिया है सिक्सटी फाइव डिग्री ये एंगल दिया ट्वेंटी एट डिग्री ये एक्स और ये वाई इनकी एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है देखो हम कैसे फाइंड करेंगे गिवन दिया आपको पी के ओ पर पेंडिकुलर पी एस आ, पी के ओ पैलर एस आर एंगल पी क्यू सॉरी एस क्य ओ आर इक्वल टू ट्वेंटी एट डिग्री एंड एंगल क्यू आर डी इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री टू फाइंड क्या करना है एक्स की ओर एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपने देखो प्रूफ आप फॉर लाइन पी क्या पैलर एस आर क्या लिया हमने पी कै पहला एस आर ओ विद ट्रांसवर्सल ले लिया हमने एस क्यू या सॉरी एस हमने लिया ट्रांसफर क्यू आर ये वाला लिया हमने अभी क्या किया पी क्यू लाइन ली और दूसरी ली हमने एस आर और ट्रांसफर ले रहे हैं इस बार हम कौन सा क्या हुआ ठीक है जब क्या हुआ ट्रांसफर्स लेंगे तो ये वाला एंगल कितना ये पूरा एंगल देखो एंगल कौन सा एंगल पी क्यू आर कौन सा होगा पी क्यू आर ये पूरा एंगल ठीक है इक्वल टू कितना होगा क्यू आर टी ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा लेकिन इस एंगल को आप लिख सकते हो पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर दोनों का सम इस ये पूरा एंगल इसका और इसका सम ठीक है ये लिख लिया हमने एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री क्योंकि क्यू आर टी की वैल्यूज ने सिक्सटी फाइव डिग्री दी है एंगल पी क्या है इसकी उसने वैल्यू एक्स दी है और इसकी वैल्यू दी है उसने ट्वेंटी एट डिग्री तो एक्स प्लस ट्वेंटी एट डिग्री इक्ल टू सिक्सटी फाइव डिग्री तो एक्स इक्ल टू सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी एट तो एक्स इक्वल टू थर्टी सेवन डिग्री तो एक्स तो तो की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी सेवन डिग्री अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थर्टी सेवन डिग्री है ये एंगल पी आपके पास नाइनटी डिग्री है तो वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके तो हम करेंगे इन ट्राई एंगल एस पी क्या एंगल एस पी क्या हो प्लस एंगल पी एस क्या हो प्लस एंगल पी क्या एस इक्वल टू वन एटी डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इसका सम इसका सम और इस एंगल का सम कितना होगा वन एटी डिग्री ठीक है इसकी वैल्यू नाइन्टी डिग्री दी है इसकी वाई है और इसकी एक्स इक्वल टू डिग्री लेकिन एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है तो एक्स की वैल्यूर्टी सेवन यूज करोगे तो वाई इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी सेवन डिग्री दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू कितना फिफ्टी थ्री डिग्री तो आपके पास हैंस एक्स इक्वल टू थर्टी सेवन डिग्री एंड वाई इक्वल टू कितना गया फिफ्टी थ्री डिग्री सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास इन फिगर द साइडल इफ द bisector ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट prove पॉइंट टी दैन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर आपको क्या दिया? है आपके पास ट्राइंगल दिया। है उसने पी क्यू आर जिसमें उसने साइड आपको क्या दी क्यू आर जो प्रोड्यूस कर दी उसने एस तक ठीक है ये वाला लाइन उसने प्रोड्यूस कर दी एस तक ये लाइन जो क्यू टी है ये बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर बाइसेक्टर होगा तो ये वाला एंगल इसकी इक्वल है और ये जो आपके पास आर टी है ये पी आर एस एंगल जो है इसका बाई सेक्टर तो ये वाला एंगल इसके को आपको क्या प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर मीन क्यू टी आर ये वाला एंगल कि, किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर मीन्स ये वाला एंगल इसका हाफ होगा ठीक है ऐसे प्रूफ करेंगे देखो गिवन क्या दिया है? जो गिवन दिया क्वेश्चन में हम वही लिखेंगे द तो साइड क्या आर ऑफ ट्राइंगल पी का और इज प्रोड्यूज टू अ पॉइंट अट द बाई सेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर सॉरी एंगल पी कैर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी दैट इज क्यू टी इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड टी आर टी इज द बाई सेक्टर ऑफ पी आर एस ठीक है और हमने टू uh, प्रूव क्या करना था एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर ये हमने प्रूफ करना था अब देखो फार ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सा ट्राई एंगल लिया हमने पी क्यू आर ये वाला एंगल क्या है पूरा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो उसका एक साइड हम प्रोड्यूस करें थोड़ा एक्सटेंड करें आगे तक और उस पर एक एक्सटीरियर एंगल बनाएं तो उसका वो किसके इक्वल होता था उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होते थे उनका सम होगा इसका मतलब इस एंगल का ये एंगल किसके इक्वल होगा इसका और इसका सम दोनों का ठीक है तो हम क्या करेंगे दिस इंप्लाइज एंगल पी आर एस इक्वल टू क्या होगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट मीन्स ये आ गया पी आर एस और ये आ गया प्यू पी क्यू आर ये वाला और क्यू पी

ऑल्सो हमें क्या दिया था जो क्यों टी है वो बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर तो दिस इम्प्लाइज एंगल टी कू आर कौन सा एंगल टी क्यू आर ये किसका होगा इसके हाफ का होगा इसका हाफ होगा है ना ये वाला एंगल जो होगा ये इसके आधे के बराबर होगा है ना तो हम क्या करेंगे एंगल टी इक्वल टू हाफ ऑफ के ओ आर तो अगर हम टू को मल्टीप्लाई यहाँ पे करें दो बहुत सारी टू को मल्टीप्लाई करें तो टू तू, टू और कैंसिल जो है यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी इक्वल टू एंगल पी इक्वेशन थर्ड बना लिया सिमिलरली जो टी आर एस ये टी आर एस ये भी इसका हाफ होगा है ना क्योंकि बाईस सेक्टर है वो तो एंग, एंगल ट्वाइस ऑफ तो एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल पी आर एस इक्वेशन फोर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय ऑन बोथ साइड बाय टू ऑन बोथ साइड हम क्या करेंगे इक्वेशन टू जो आपके पास है उसको दो टू से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ठीक है तो टू से बोल करेंगे तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल टू इंटू एंगल टू सॉरी टू इंटू एंगल टी आर एस इक्वल टू टू इंटू एंगल टी कै आर प्लस टू इंटू एंगल कैटी आर लेकिन एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस इक्वल टू क्या प्रूफ किया हमने एंगल पी आर एस है वो तो ये आ गया एंगल पी आर एस और ट्वाइस ऑफ टी के आर क्या प्रूफ किया हमने पी के आर तो एंगल पी के आर प्लस ये सेम रहेगा टू इंटू एंगल कैटी आर अब देखो इक्वेशन एककेंड फर्स्ट और फिफ्थ यहाँ पे भी आपके पास पी आर एस है और यहाँ पे भी आपके पास एंगल पी आर एस तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इसकी इक्वल होंगी कंपेयर करेंगे इसको तो ये हो गया आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फिफ्थ वी गेट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर पी क्यू आर ओ पी क्यू आर कैंसिल हो गया तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर तो दिस इंप्लाइज एंगल क्यू टी आर इक्वल टू वन बाई टू एंगल क्यू पी आर ये आपने प्रूफ कर दिया हैंस थ्रू अब आपका एक क्वेश्चन बचा था आपका वो था आपका, एक, वो था आपका एक, आप एक्सरसाइज आपके था ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर था आपके पास क्या था वो इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर पैलर टू इच अदर एंड इंसेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी के रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी अगेन रिफ्लेक्ट बैक सी डी एक दूसरे के यहां पे क्या था एक इंसिडेंट ए बी जो स्ट्राइक रही थी पॉइंट बी पे उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर यहां पे स्ट्राइक कर दी और फिर से वो रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जा रही आपको क्या प्रूफ करना था कि जो ये लाइन ए बी है ये किसके पैलर होगी सी डी के कैसे प्रूफ करोगे देखो गिवन जो है पहले आप गिवन जो है वो लिखोगे ठीक है हमने लिख दिया पी के आर एस और साथ में जो ये लाइन यहाँ से लेके यहां तक इंटर जो भी हमें गिवन था वो हमने यहां पे लिख दिया ठीक है अब गिवन लिखने के बाद हमने क्या किया ट्रू प्रूफ क्या करना था आपको एलर सी डी ये वाला लाइन सी डी अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ठीक है क्या करेंगे एट पॉइंट बी ड्रा बी ई परपेंडिकुलर पी के आर एस हमने क्या किया यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और एक यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रा किए हमने ठीक है प्रूफ देखो सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ये लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन हमें पढ़ा था हमने कि एंगल ऑफ़ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर होगा ठीक है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल टू फोर ये हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से लिख दिया ठीक है ना बी ई पैलर सी एफ विद ट्रांसवर्सल बी सी ये आपके पास जो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे ये भी अब पैलर है ठीक है यहाँ पे और दोनों ये दोनों पैलर हैं ये दोनों पैल हैं और ट्रांसफर से ले लिया बी सी तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री होगा क्यों आल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये तो ये आ गया आपके पास एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है और एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री और एंगल थ्री इक्वल टू फोर है तो इसका मतलब होगा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर ये एंगल सारे के सारे एंगल इक्वल हैं अगर ये सारे इक्वल हैं तो मैं एंगल वन प्लस एंगल टू को ऐड कर रहा हूँ एंगल थ्री प्लस एंगल फोर को ऐड कर रहा हूँ तो जो दोनों सेम होंगे तो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू क्या होगा एंगल थ्री प्लस एंगल फोर ये दोनों इक्वल होंगे ठीक है लेकिन एंगल वन प्लस एंगल टू क्या है एंगल ए बी सी और एंगल थ्री प्लस एंगल फोर क्या है डी सी बी अब देखो ए बी सी एंगल ए बी सी टू एंगल डी सी इंटीरियर एंगल लेकिन ये दोनों इंटीरियर एंगल है ये और ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होगा आपके पास बी सी दियर फोर ए बी पैरेलल सी डी देखो ये वाला एंगल पूरा इसके इक्वल आ रहा है ये ट्रांसवर्सल ये दोनों लाइन क्या होंगी अब पैरेलल थैंक यू बेटा